ये क्या है ना, ऑर्गेनिक खेती, जैविक कृषि करते हैं ना, जैविक कृषि करने के लिए आज का दिन में बहुत बहुत स्कोप है, बिकॉज फार्मर्स को बहुत बहुत पैसा मिलता है इस पे करने के, स्पेशली इन गोवा में ज़्यादा ज़्यादा डिमांड है ये करने के लिए। तो इसको लिए क्यों करना है, बिकॉज इधर टूरिज्म बहुत है एंड एवरीबडी इज हम हेल्थ कॉन्शियस बहुत है सभी का। अभी तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू होते हैं ना, और इसका वजह से ज़्यादा ज़्यादा कॉन्शियस वजह से ये अभी जैविक कृषि में ज़्यादा ज़्यादा आदमी कर रहे हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, थोड़ा आपको परिचित परिचित दे देंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, पहले आपको बेंजामिन सर को मालूम होगा और एल्डरली पर्सन्स नो, तो 1965, तो 50 साल पहले वी हैव फैमिन, इवन इफ यू हैव मनी विथ अस, हमको खाने के लिए रेशन नहीं मिलते थे उस समय। तो हम अमेरिका से और यूरोप से ये वीट से भी इंपोर्ट करके खाते थे, बहुत मुश्किल था। इवन और मक्का उस समय भी हम देश को इंट्रोड्यूस किया, तो उस समय पैसा होने से भी खाना नहीं मिलते थे। इसके लिए क्या है ना, ICAR और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सभी मिलके, सभी साइंटिस्ट नया नया हाइब्रिड वेराइटी निकाल के पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया। तो कैसे हुआ, आज हमारे पास 2 साल के लिए रेशन बचा है, हमारे पास गोडाउन में, FCI गोडाउन में इतना रेशन है, अगर कोई देश में 2 साल बारिश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम खाने के लिए खाना है। तो ये क्यों हुआ, ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से। वो रेवोल्यूशन करने के समय क्या हो गई, थोड़ा हमारा गलती भी हो गई। क्या है, तो ड्वार्फ वेराइटीज निकल के वीट में और राइस में, उसको है ना, उसको रेस्पॉन्स है ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने के लिए। तो इंटेंसिव कल्टिवेशन वजह से बहुत बहुत मिट्टी का बर्बाद करके हम ये रेशन उगाया। तो अभी क्या हो गई, तो आप देख सकते हैं, हम मल्टीपल, अभी भी हमारे शशि जी आपको बोल रहे थे ना, तो फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल फॉर डिग्रेडेड ओवर द ईयर्स, तो उसका वजह से क्या है, हमारा अगले जनरेशन का बहुत मुश्किल होता है हमारा मिट्टी को संभालने के लिए और उससे खाना का लेने के लिए। तो इसलिए आज हम कुछ करना है अगले जनरेशन के लिए, तो इसका वजह से कैसे कर सकते। तो आप मालूम है क्या है, अब हमारा पुराना कन्वेंशन और ऑर्गेनिक खेती में क्या क्या डिफरेंसेस है, उसमें आपका हेल्थ प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खेती में, और वाटर का प्रॉब्लम ज़्यादा है, और आपका इनपुट कॉस्ट भी बढ़िया है। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे ना, तो आपको हाई रिटर्न्स भी आएगा, बिकॉज ऑर्गेनिक खेती का प्रोड्यूस थोड़ा हाई दाम में बिक्री कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक स्टोर्स में, तो इसलिए आपका हायर प्राइस ऑल्सो यू विल गेट, उसका अलावा आपको हायर इनकम भी आएगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये एडवांटेजेस है नहीं। तो प्राइमरीली हमारा जैविक कृषि करते हैं ना, तो ये इकोलॉजिकल हार्मोनी करने के लिए करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य के लिए करते हैं। इसमें हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करेगा, हार्मोन्स यूज़ नहीं करेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज हम यूज़ नहीं करेगा, ओनली हम नेचुरल इनपुट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बॉटानिकल्स, बायो एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो जैविक कृषि क्या है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग लार्जली एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ सिंथेटिकली कंपाउंड फर्टिलाइजर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड लाइफ स्टॉक, पहले बताए ना उसको, इसमें परमिशन नहीं यूज करने के लिए। तो इसका वजह से हमारा मिट्टी का, सी कोई खेती ऑर्गेनिक खेती में करेगा ना, आपका मिट्टी 3 साल तक थोड़ा संभालना पड़ेगी, 3 साल के बाद इसको पोटेंशियल आ जाएगा, तो उसके बाद आप उसको फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से कर सकते हैं आप। तो 3 साल संभालना है मट्टी, तो इसको जरूरत नहीं। तो ये प्योरली हमारा ऑर्गेनिक खेती वो डिपेंड करते हैं एनिमल मेन्यूज, स्पेशली हमारा गोबर, गोबर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जैविक कृषि में, और ग्रीन के मेन्यूर क्रॉप्स, लेग्यूम्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सभी सभी बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं हमारा जैविक कृषि में। इसके बिना आपका पास कुछ गोबर नहीं, आपका पास गाय नहीं, ऐसा नहीं होने से ऑर्गेनिक खेती में बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसलिए तो गोबर का बहुत बहुत आवश्यक है। तो मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ हमारा जैविक कृषि क्या है, तो पहले हेल्थ, तो इसलिए वो हेल्थ का, तो वी हैव टू मेंटेन, और एकोलॉजी, हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, और तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल आवर वेल बीइंग फॉर आवर हेल्थ एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो क्या बेनिफिट्स है एग्रीकल्चर, ये ऑर्गेनिक खेती करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो
हमारा सॉइल फर्टिलिटी में ही नहीं, हमारा मट्टी का संरक्षण होते हैं। तो मट्टी हमारा अगले जनरेशन का भी हम संभाल कर सकते हैं, दैट इज द मेन फोकस। इसमें पेस्ट डिसीज कम हो जाएगा और ये स्टेबल प्रोडक्शन आ जाएगा। अगर 3 साल के बाद आप करेंगे ना, अब सस्टेनेबल प्रोडक्शन भी आपको मिलेगा। तो एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया है, उसके अलावा सॉइल सोशल कंडीशंस, तो हमारे हेल्थ इम्प्रूव होते हैं, कम्युनिटी भी अच्छा रहते हैं, तो सभी होते हैं। एंड इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो विल बी इम्प्रूवड बाय दिस, एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल आल्सो दैट बेनिफिट्स वी आर गोइंग टू गेट इट। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो वी हैव टू रिले ऑन सो न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड सफिशियंट क्वालिटी। सो वी हैव टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी फूड एंड सफिशियंट क्वान्टिटी, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। तो उसके अलावा तो फार्मिंग साइकिल्स, ये क्रॉप रोटेशन करके उसको फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, तो सस्टेनेबल बेसिस, एक साल में नहीं उगाना है, आप ये कंटिन्यूसली आपका प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना है, तो उसको हम ज़्यादा ध्यान देना। तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो वर्मी कंपोस्ट चाहिए, ग्रीन मैन्योर लीव्स चाहिए, क्रॉप रोटेशन यू हैव टू फॉलो, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट यू हैव टू डू, आपका गाय का जरूरी है घर में, और बायोफर्टिलाइजर्स मैन्योर्स, ये सभी आपको खेती करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए चाहिए। सो मेन ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आप देख सकते हैं, एक सुबह बोल, सनम, डायंचा, कॉफी, क्लस्टर बीन, बरसीम, ग्रीन ग्राम, ये सभी बहुत बहुत जरूरी है हमारा खेती, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। आपको ये दिया है कितना तक वो प्रोडक्टिविटी करते हैं एक हेक्टेयर में, एक टन में, सो टन प्रोडक्शन, एंड इसका नाइट्रोजन कंटेंट कितना में ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका देखते हैं ना, सुबह बुल में ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं। सो इसलिए ये है ना, सो अभी हमारा शशि जी ने बता दिया, सो सॉइल फर्टिलिटी विल बी मेंटेन बाई माइक्रोबियल पॉपुलेशन। सो गोबर क्यों देते हैं जमीन को, आप पहले उसको सूचित करना है। ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन सो मिट्टी में बढ़ाने के लिए, सो उसका खाना चाहिए। सो अगर गोबर आप ज़्यादा जाते हैं मिट्टी में, या हमारा माइक्रोब्स ये बहुत पॉपुलेशन बढ़ते हैं। सो बढ़ने के बाद क्या है ना, अनअवेलेबल फार्म्स है ना, वो NPK सभी मिट्टी में रहते हैं, बट ये तो अवेलेबल फार्म में नहीं है वो, तो उसको कन्वर्ट करके प्लांट्स को खाना देते हैं। इसलिए प्लांट्स, आप देखा होगा ना, किधर जमीन में ज़्यादा गोबर डाला है उधर लग्जरियस ग्रोथ आते हैं, पैच 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 रहते हैं। तो ये क्यों, इसलिए तो उधर पॉपुलेशन बढ़ते हैं माइक्रोबियल। तो ये अभी मेन उद्देश्य हमारा ऑर्गेनिक खेती का ना, मिट्टी का, तो ये माइक्रोब्स को अच्छा पॉपुलेशन मेंटेन करना, इसका वजह से उसका खेती का आप फर्टिलाइजर डालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो ये ज़्यादा फर्टिलिटी होने से। तो ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन, अभी मेन लैंड में आपका माइक्रोबियल कंसर्शियम मिलते हैं, तो इधर दिया है ना, तो ये कंटेंट कैसे, तो ट्राइकोडर्मा रहते हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पोरम, फास्फेट साल्वेज बैक्टीरिया, ये सभी 1 kg 1 टन में गोबर में मिक्स करके 15 दिन तो पेड़ के नीचे छाया में कवर करके रखेंगे ना, तो बाद में ये मेन लैंड का आप गोबर डालते हैं ना, उसके साथ मिलके ये स्प्रेड करने से पूरा फर्टिलिटी आपका खेती का बढ़ेगा। ये मेथड है, तो ये किसान कर रहे हैं ना, वही है वो। तो बढ़िया फर्टिलाइजर सही सभी अभी आपको मार्केट में ये पूरा आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। सो एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन आल्गी, एजोस्पोरम, फास्फेट साल्वेज बैक्टीरिया, ये सभी आपका मार्केट में मिल जाएगा ये ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। सो बहुत महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक खेती करने में आपका वेराइटीज और क्रॉप सेलेक्ट करना है। सो मेनली आपका वेराइटीज इस ऐसे सेलेक्ट करना है वो उसका ज़्यादा बीमारी नहीं आना, कीड़ा नहीं आना, बिकॉज ये खेती में बहुत मुश्किल है कंट्रोल करने के लिए। तो बिकॉज पेस्टिसाइड आप नहीं यूज़ कर सकते ऑर्गेनिक जैविक कृषि में, तो इसको ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप अगर भिंडी करते हैं, भिंडी का कौन सा ये येलो वाइन मजाक रेजिस्टेंट वेराइटी कौन है उसको पता करना है, तो और बोरर कम किस में आते हैं, आपस कम में आते हैं, उस वेराइटी को आप चुनना है। तो इसलिए अगर आपका बैंगन करते हैं, विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी लेना है, शूट एंड बोरर टॉलरेंट वेराइटी लेना है, तो उसके में आप ज़्यादा ध्यान देना है। तो वेराइटी सिलेक्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जैविक कृषि में, ये सभी रेजिस्टेंट वेराइटीज है आपको। तो और सीडलिंग प्रोडक्शन बहुत बहुत आप ध्यान देना पड़ेगी। तो ये सीडलिंग चारा करने का समय, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा केवीके में भी किया है, अभी हमारे पास
बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची भी है, चाहे तो आप ले सकते हैं। पोट्री में हम ग्रो किया है, वो बहुत अच्छा वेराइटी है, विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है, टमाटो बैंगन। तो ये सभी अभी आया, आपको ज़रूर होगा, आप लेके जाइए, आप यूज़ कीजिए। तो अच्छा क्वालिटी चारा होगा ना, आप देख सकते हैं कमर्शियल नर्सरीज। हम गोवा में वही बोल रहे हैं, ऐसा नर्सरी कोई यूथ तैयार होगा, हम इनको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। तो इसलिए सभी गोवा किसान को ये मदद हो जाएगा। अगर आप जाएंगे कर्नाटक, महाराष्ट्र, एनी प्लेस, तमिलनाडु, कोई किसान चारा नहीं करेगा, ये जाके ऑर्डर देके आएंगी, 25 दिन के अंदर वो करके उनका फील्ड में वो नर्सरी मैन उनको देते हैं। तो इसलिए आपको 25 दिन बच जाएगा खेती का, और अच्छा संरक्षण करके वो अच्छा चारा आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा दाम भी नहीं, एक टमाटर का 1 रुपये के अंदर ही हाइब्रिड मिलते हैं, तो ज़्यादा दाम भी नहीं होगा। अगर कोई यूथ तो इसमें करना है, बहुत स्कोप है हमारा गोवा में करने के लिए। तो ये है, तो ऑर्गेनिक खेती में महत्वपूर्ण है, तो ये सभी है। तो इसमें है ना, बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ये ड्रिप इरिगेशन भी डाल सकते हैं, सो रिजेशन फॉर सिस्टम ऑल्सो यू कैन डू इट इन यूजिंग ट्रैक्टर रन बर्न फार्मर, ठीक है ना। तो इसलिए ऑर्गेनिक खेती में डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले बताया रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करना, सीड ट्रीटमेंट करना, तो अच्छा प्लांट एंड हेल्थी विग्रेस सीडलिंग्स चुनना है, तो मल्च यूज़ करना है, तो वीड फ्री वी हैव टू मेंटेन, बिकॉज वंस आप मल्च यूज़ करेंगे ना, सभी हो जाएगा, इवन मॉइस्चर आल्सो विल बी प्रोटेक्टेड। एंड बॉर्डर में आप सोरगम, मेज और हमारा मेरीगोल्ड, तो ये क्रॉप बैरियर क्रॉप लगाना है। तो ये सभी इनका मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, नेमेटोड्स मैनेजमेंट, नर्सरी बेड्स सभी हैं। तो ऑफकोर्स ये है ना, हमारा कीड़ा मैनेजमेंट करने के लिए पहले सर्वेलेंस, सर्वेलेंस क्या बोलते हैं हम, तो आप ध्यान रखना है खेती में, तो अगर कोई बीमारी भी कीड़ा आएगा ना, तुरंत आपको तो ये एक्शन लेना है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक्स वो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता चलेगा वो सैंपल लेके कोई केवीके में, कोई डिपार्टमेंट के पास, इंस्टीट्यूट में जाके पता करना है। उसको वैक्सीन यूज़ कर सकते, बायो पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते, बायो कंट्रोल ट्रैप्स यू कैन यूज़ कर सकते, सो फंगिसाइडल रेजिस्टेंट मैनेजमेंट यू कैन डू इट, सो एंड वर्स्ट पैथोजन इंट्रैक्शन आल्सो यू कैन डू इट। ये खेती देखिए, ये ऑर्गेनिक खेती में कैसे करते हैं ना, एक वाटरमेलन प्लांट है, उसको 45 डेज तक ये फ्लावरिंग आने तक ये प्रोटेक्ट करते हैं नेट डाल के, सो इसलिए वायरस बीमारी नहीं आएगा। अगर 45 डेज के बाद भी अगर ये वायरस आएगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं किसान का, बिकॉज ये 70-80 डेज में ख़त्म होते हैं, तब तक वायरस आके वो पेड़ में खराब करने के लिए उनको 30 दिन होते हैं, तब तक आपको इकोनॉमिक यील्ड आ जाएगा। तो इसके लिए वो उसको अवॉइड करने के लिए ये किसान ये यूज़ कर सकते हैं। आप ऑफकोर्स फ्रूट एंड फूड बॉर्डर, बिकॉज पेस्टिसाइड इसमें खेती में यूज़ नहीं कर सकते, उसको 3 स्प्रेस ऑफ NPU यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरीगोल्ड मैं ऑलरेडी बताया, बहुत बढ़िया क्रॉप है। अगर कोई आप मिर्ची करेगा, बैंगन करेगा, टमाटर करेगा, तो बॉर्डर में आप 1-2 रो मेज और ये डाल दीजिए, पूरा कीड़ा उसमें आ जाएगा, तो इसलिए आपका क्रॉप संरक्षित होते हैं। तो ये सभी बॉटानिकल पेस्टिसाइड्स है, जैविक कृषि में ये सभी आप यूज़ कर सकते हैं। नीम सोप, पंगामिया सोप, दिस इज़ ऑल अवेलेबल एट IHR बैंगलोर, सो इफ़ यू ऑर्डर बाय पोस्ट और ऑनलाइन इट विल कम टू योर डोर स्टेप्स। ये दो 1 kg सोप में 250 लीटर को मिक्स करके ये स्प्रे कर सकते हैं, ये रेडीली अवेलेबल थिंग है। तो ज़्यादा 120 रुपये है 1 किलो के लिए, तो ये सभी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सभी कंट्रोल के लिए। ये मॉडर्न टेक्निक है, तो ये है ना ग्राफ्टिंग टेक्निक। तो अभी आपको बैंगन का फूल आने के लिए बताया, वहाँ तक कच्चा रहते हैं पेड़, और टमाटर और ये है ना बाद में सूख जाते हैं, सभी को मालूम है। उसको मेन प्रॉब्लम है बैक्टीरियल विल्ट, उसको संभालने के लिए ये ग्राफ्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंट वाइल्ड स्पीशीज को ग्राफ्ट करके ऊपर कौन सा वेराइटी चाहिए हम उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं उसको, बिकॉज VNR सीड्स एट रायपुर, सो रायपुर में ये बढ़िया मशीन डाला है, वो ऑटोमेटिकली वो करते हैं, मशीन करते हैं, आदमी का ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज उधर किसान जाके ऑर्डर करते हैं, हमका इतना ग्राफ्टेड प्लांट्स चाहिए, उतना ऑर्डर उनका ऐसा है। तो बेंगलोर में भी ऐसा चल रहा है,
तो ये जगह भी ऐसा होना है। दूसरा टीक है हमारा बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए। जैविक कृषि में आप ये शेड नेट हाउस यूज कर सकते हैं, नेट हाउस यूज कर सकते हैं और लो कास्ट पॉली हाउस भी यूज कर सकते हैं हमारा अच्छा वेराइटी यूज करने के लिए। तो ये प्रोटेक्टेड आपका इधर गोवा में बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आप बारिश का समय ऐसा ही है यूथ आके तो टेक्नोलॉजी लेके करेंगी ना, बारिश का समय भी आप तो रेन वाटर शेल्टर टेक्नोलॉजी उसी के अंदर क्या होते हैं ना, पत्ती का पूरा बीमारी आते हैं ज़्यादा बारिश आने से, पूरा पत्ती स्पेशली हमारे टमाटो में सभी बैंगन में सभी क्या होते हैं अर्ली ब्लाइट आते हैं, तो फंगल डिसीज, तो इसका वजह से पूरा सूख जाते हैं। उसको प्रोटेक्ट करके ज़्यादा दाम ले सकते हैं, इधर आपको बिक्री करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये नेट हाउस फ्रूट एंड शूट बोरर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन ब्रिंजाल। अगर आप नेट हाउस करके ये देखिए सिंपल टेक्नोलॉजी किया किसान, ये किसान का खेती में लिया है फोटोग्राफ, तो उसको स्प्रे का जरूरत ही नहीं है। आप उस इंसेक्ट को पहले से कंट्रोल करेंगे बिकॉज विदाउट पेस्टिसाइड यू कैन प्रोड्यूस गुड ब्रिंजाल। सो ये है ना, सर्टिफिकेशन इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा कंज्यूमर अवेयरनेस हम भी करते हैं, आप भी करना है। तो अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य होना है तो इसलिए आप पेस्टिसाइड फ्री सब्जी खाना पड़ेगी। तो इसको वजह से क्या होते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ब्लड अच्छा रहेगा और हमारा किडनीज भी अच्छा रहेगा, कोई परेशान नहीं होगा। तो उसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है। गवर्नमेंट एजेंसी आप हमारा जैविक कृषि के आके आपका प्लाट दे के एक सर्टिफिकेट देगा। और मेन सिटीज़ में अभी भी देख सकते हैं, तो बड़ा बड़ा शहर में तो जैविक कृषि का सब्जी का अलग दुकान होते हैं, तो उसका रेट 3 times। अगर आपका टमाटर का 50 रुपये होगा, उधर 150 रुपये किलो में बिक्री करेगा। तो उसको ये भी इधर भी आना है, ये कंज्यूमर अवेयरनेस होना है। तो इसलिए आप ये सभी स्पेशल यूथ इसको लेके आप कर सकते हैं। सो ग्रेडिंग इज ऑल्सो ए क्रूशियल। सो ये सभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन मच। सो वेन एवर यू आर फ्री, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड कॉन्टेक्ट मी, आई एम रेडी टू हेल्प एनीबडी। सो ये मार्केट है, सो थैंक यू। तो कोई आपका शक होगा इसमें आप पूछ सकते, अदरवाइज ज़्यादा